देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इंडिया साइज। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर पर डिस्कस किया था वो किया क्या क्या था, इंडिया का लोकेशन। अब आज हम लोग साइज देखेंगे। तो देखो जो इंडिया का जो एरिया है, मतलब ये पूरा अंदर से जो है ये पूरा एरिया क्या है। ठीक है, तो जो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पूरा अगर देखें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया पूरा इंडिया का। ठीक है, अगर पूछे कि कोई अगर पूछता है कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है तो राजस्थान। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, इसका एरिया 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो है दोनों मतलब एक तरीके से एंटिटी जो है वो नेबरिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसका जो है एरिया याद रखना एक तरीके। ठीक है, महाराष्ट्र है 3,07,730 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा क्या मतलब तीन स्टेट्स का जो कि मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ी जो स्टेट्स है उनका ये तीन जो है एरिया हो गया। ठीक है, और इंडिया का एरिया 32,87,763 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद मैंने बताया था इंडिया का जो लैटिट्यूड है, ठीक है, वो कहाँ से चालू होता है, तो 10 degree 4 minute नॉर्थ से 37 degree 6 minute नॉर्थ। ठीक है, आरसन में तो अगर हम देखें तो ये 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेकर के 37 degree 6 minute नॉर्थ तक ये जो लगभग जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 degree का एक तरीके से। ठीक है, आरसन में मतलब 37 degree 6 minute में से अगर 8 degree 4 minute अगर मैं घटाऊं एक तरीके से क्या आएगा, 30 degree आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो लगभग जो है इसमें हमारे इंडिया के लैटिट्यूड में और उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, हमारा लॉन्गिट्यूड कितना है, तो 68 degree 7 minute ईस्ट से लेकर के 97 degree 25 minute ईस्ट। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, लगभग 30 degree का। तो अगर पूछे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस कितना है हमारा इंडिया का, तो कितना है, 30 degree का। ठीक है, इतना आगे वाला समझते हैं। अब उसके बाद इंडिया को क्या बोला जाता है, तो इंडिया को बोला जाता है पेनिनसुला। ठीक है, देखो एक होता है आइसलैंड और एक होता है पेनिनसुला। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो जब अगर कोई लैंड का हिस्सा चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, ठीक है, तो उस लैंड को क्या बोला जाता है, आइसलैंड बोला जाता है। ठीक है, और अगर कोई लैंड का हिस्सा जो है वो तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इधर पर जो है क्या है, यहाँ लैंड वाला हिस्सा एक तरीके से। ठीक है, जैसे इंडिया को अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, इसके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और इधर वेस्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी, और नीचे में क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, इसके इंडिया के नीचे में क्या है, इंडियन ओशियन है। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से तीनों साइड से क्या हुआ है, पानी से घिरा हुआ है इंडिया। तो इंडिया क्या है, आइसलैंड है या पेनिनसुला। तो मैंने क्या बताया, पेनिनसुला जो है वो होता है, वो लैंड का हिस्सा होता है जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया क्या है, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया क्या होगा, पेनिनसुला। ठीक है, अब उसके बाद इंडिया की बाउंड्री हम देखते हैं, तो एक होती है बाउंड्री और एक होती है कोस्ट लाइन। ठीक है, तो बाउंड्री मतलब क्या होता है कि इंडिया का जो मेनलैंड है, ठीक है, मतलब जो पानी से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है, वो क्या करता है, दूसरी कंट्रीज के साथ मतलब जो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, वेस्ट बंगाल का। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इसकी जो लेंथ है इंडिया की बाउंड्री की, वो है लगभग 1500 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, और दूसरा होता है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब हिंदी में बोला जाता है इसको तटरेखा। तटरेखा मतलब वो जगह होती है जहां पर वाटर और लैंड दोनों मिलते हैं, आ रहा समझ। तो उसकी जो लेंथ है वो है 7560 किलोमीटर। आगे समझ लगता, ठीक है, आप लोगों को आइए इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद जो है गो, हाँ देखो, फिर उसके बाद जो है ये यहां से लेकर के मतलब ये क्या हुआ हमारा ईस्ट वाला हिस्सा, ठीक है, और ये क्या है हमारा वेस्ट पार्ट। ठीक है, तो ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की जो इंडिया की जो लेंथ है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 2930 किलोमीटर, मतलब यहां से लेकर के ये जो ये देखो ये लिखा हूं मैं 2933 किलोमीटर यहां। ठीक है, तो ये कितना कितनी लेंथ है इससे लेकर के वेस्ट तक इंडिया की, 2933 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर हम देखें तो नॉर्थ से साउथ जो है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, आया समझ लगता। फिर उसके बाद है ये देखो इंडिया का जो एरिया वो कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर बताया था मैंने। तो ये जो इंडिया का जो एरिया है वो टोटल वर्ल्ड के एरिया के कितने, 2.38%। ठीक
ठीक है, आराम मतलब जैसे अगर हम देखते हैं तो अगर वर्ल्ड कप ऐप अगर हम देखते हैं तो उसमें टोटल जितना भी लैंड वाला जो पोर्शन है उसमें से जो 2.38% जो लैंड का पोर्शन है वो कौन एक्वायर करके रखता है, इंडिया एक्वायर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक एक और चीज है इसमें, जैसे ईस्ट में जो है हमारा जो स्टेट पड़ती है वो कौन सी रहती है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ईस्ट में जो स्टेट है वो कौन सी हमारी रहती है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे वेस्ट में जो है वो कौन सी हमारी, गुजरात। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे इंडिया मतलब इंडिया में अगर देखें तो सूरज अगर अरुणाचल प्रदेश में 5:30 बजे दिखाई देता है। ठीक है, 5:30 5:30 5:30 पर अगर हमें यहाँ सूरज दिखाई देता है तो सूरज की लाइट यहाँ पर मतलब सूरज जो है इस डिस्टेंस को कवर करने में मतलब गुजरात तक आने में कितनी देर लेता है, 2 घंटे लेता है। ठीक है, 2 आवर्स का जो टाइम है वो लगभग लेता है। यहाँ पर जो है सूरज की सूरज को कितने बजे दिखाई देगा, 7:30। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का जो है समय वो लेता है। ठीक है, तो 2 घंटे का लैग जो उसमें होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट इस तरह की जो है एक लाइन। ठीक है, यहाँ पर लगभग 82 डिग्री 30 मिनट इस तरह की एक लाइन जो कि यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब हमारा एमपी जो है उसका नेबरिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो वो कहाँ से गुजरता है, यूपी के मिर्जापुर से गुजरता है। और ये जो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ISTM। और इसी लाइन यही जो लाइन होती है वो हमारा क्या करती है, पूरे इंडिया के टाइम को डिसाइड करके रखती है। तो इस वीडियो में हम बस इतनी पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो है फिर कल जो है वो आगे का पढ़ेंगे।